आप लोगों को बोर्ड विजिबल हो गया? यस मैम। देखो लास्ट टाइम हमने अपना टॉपिक स्टार्ट किया था पोटेंशियल मैट्रिक्स टाइट्रेशन, है ना। टाइट्रेशन आप लोगों को पता ही, आपने नॉर्मल इंडिकेटर्स यूज करके तो टाइट्रेशन करी है ना, ऐसे बेस टाइट्रेशन आपने करी है आप इंडिकेटर यूज करके। लेकिन पोटेंशियल मैट्रिक्स टाइट्रेशन में हम इंडिकेटर यूज ना करकर हम एक सेल प्रिपेयर करकर टाइट्रेशन करते हैं, और ईएमएफ के चेंज से हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि आपका एंड पॉइंट क्या है ना। अब इसको करने के लिए इसकी थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है कि इसमें हम क्या क्या यूज करते हैं। ठीक है, हम एक ऐसी इलेक्ट्रोड कंसीडर करते हैं जिसका ईएमएफ चेंज होता है कंसंट्रेशन के साथ, तो उसे हम क्या बोलते हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इस इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को हम उस सॉल्यूशन में डिप करते हैं जो हमें टाइट्रेट करनी होती है। अब आपको बताए इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को हमें क्या करना पड़ेगा, किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ पेयर अप करना पड़ेगा, तभी हमारा एक सेल क्रिएट होगा। ठीक, तो आपने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ क्रिएट कर दी। अब क्या होगा कि जैसे जैसे आपका टाइट्रेशन होगी, देखो टाइट्रेशन नॉर्मली वही होगी कि आपकी ब्यूरेट में होगा बेस, या फिर आप जो भी लोग ब्यूरेट में जो भी सब्सटेंस लोगे। ठीक है, नीचे हम क्या करते थे, कॉनिकल फ्लास्क में लेते थे ऐसे, है ना, नॉर्मली ये करते थे और उसमें इंडिकेटर डालते थे। इसमें क्या डिफरेंस होगा, आप नीचे बीकर में सॉल्यूशन लोगे, उसमें इंडिकेटर इलेक्ट्रोड डिप करोगे, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ कपल करोगे और पोटेंशियोमीटर अटैच कर दोगे। पोटेंशियोमीटर में आपको ईएमएफ की रीडिंग दिखती रहेगी, राइट। अब आप जैसे जैसे जो ब्यूरेट में जो भी आपका सब्सटेंस है, आप उसको बीकर में ऐड करोगे, ड्रॉप वाइज स्टिर करोगे, तो ईएमएफ की रीडिंग चेंज होगी। क्यों चेंज होगी, क्योंकि आपकी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। तो आप क्या करोगे, उस ईएमएफ की रीडिंग को नोट करते जाओगे। फिर आपको एक ऐसा पॉइंट दिखेगा जहां आपका ईएमएफ में एक सडन चेंज होगा, यानी पहले मान लीजिए जैसे इंक्रीज हो रहा था ईएमएफ, फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो 0.5 0.5 0.5 0.5 इंक्रीज हो रहा है, लेकिन एकदम से 5 इंक्रीज हो जाए या एकदम से 10 इंक्रीज हो जाए, तो वो आपको सडन चेंज दिख जाएगा। या फिर मान लो डिक्रीज हो रहा था 0.5 0.5 डिक्रीज हो रहा था, एकदम से 12 का डिक्रीमेंट आ जाए, तो आपको वो सडन चेंज विजिबल होगा। और इसी सडन चेंज के अराउंड भी क्या होगा, आपका एंड पॉइंट आएगा। पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन थ्री टाइप्स की, नॉर्मली आपकी टाइट्रेशन भी थ्री टाइप्स की। फर्स्ट है एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, जो हमने बहुत करी है ना। नेक्स्ट आती है आपकी रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये भी आपने करी होगी बीएससी फर्स्ट ईयर। थर्ड आती है आपकी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। तीनों को हमें क्या करना है, पोटेंशियोमेट्रिक मेथड से स्टडी करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारी क्या है, एसिड बेस्ड टाइट्रेशन। एसिड बेस्ड टाइट्रेशन का मीनिंग आप क्या यूज करोगे, NaOH और HCl, यानी एक बेस और एक एसिड। फॉर एग्जाम्पल आपको पता है बेस को हम किस में फिल करते हैं, ब्यूरेट में। ठीक है, नीचे बीकर में हमने क्या लिया, एसिड सोल्यूशन। ठीक है, ये तो हमारा सेटअप हो गया टाइट्रेशन का। अब हमें इसे कैसे करना, पोटेंशियोमेट्रिक के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें इसमें एस सॉल्यूशन को यूज करते हुए एक सेल प्रिपेयर करना। देखो कैसे, आपने क्या किया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को HCl में डिप कर दिया, तो ये बन गई इलेक्ट्रोड इन इट्स आयन सॉल्यूशन। ठीक है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को फिर कपल कर दिया रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ। रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सी ले ली, कैलोमल इलेक्ट्रोड। अब कैलोमल इलेक्ट्रोड भी आपको पता है किसमें डिप करनी पड़ती है, उसके आयंस के सॉल्यूशन। तो ये KCl के सॉल्यूशन में हमने डिप कर दी। ये आउटलेट वाली डायग्राम है जिसमें आउटलेट था जेट, था जेट हम किसमें डिप करते हैं, उसके आयंस के सॉल्यूशन में, आपने डिप कर दिया KCl में। अब इन दोनों सॉल्यूशन को भी आपस में करना पड़ेगा कनेक्ट, वो हमने किससे कर दिया, सॉल्ट ब्रिज से। इतने पोर्शन में आपका बन गया एक्सेल, और इतने पोर्शन से बन गया आपका टाइट्रेशन का सेटअप। अब आप टाइट्रेशन करोगे तो देखो कैसे करोगे, क्या करोगे, जब टाइट्रेशन करोगे इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आपकी हो गई हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, है ना, या फिर हम क्या यूज कर लेते हैं, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड या ग्लास इलेक्ट्रोड। ये तीन टाइप की है, इन्हीं तीनों टाइप से हम क्या करते हैं, पीएच भी डिटरमाइन करते हैं। देखो जब आपने एप्लीकेशन ऑफ कंसेंट्रेशन सेल और पीएच डिटरमिनेशन करी थी, तब भी आपके पास ये तीन इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रोड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड और ग्लास इलेक्ट्रोड। इनमें से किसी को भी हमने इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं, तो
हमने कौन सी कर ली, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ये हो केल्विन इलेक्ट्रोड हो गई आपकी रेफरेंस। आपको HCl की वॉल्यूम पता है, आपने बीकर में कितनी वॉल्यूम दी है, उसके अंदर आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को डिप कर दिया और उसे केल्विन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर दिया। अब आप क्या करोगे, ये जो आपकी ब्यूरेट है, जैसे नॉर्मली हम टाइट्रेशन करते हैं, क्या करते हैं, ट्रोपोइज ऐड करते हैं बेस और स्टिर करते रहते हैं सॉल्यूशन को। आप ऐसे पकड़ के कॉनिकल फ्लास्क को हाथ से स्टिर करते हो, इसमें क्या करेंगे हम स्टिरर यूज करेंगे। ठीक है, हाथ से नहीं कर सकते क्योंकि सेल डिस्टर्ब हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे स्टिरर यूज करेंगे, सॉल्यूशन को स्टिर करते रहेंगे। ठीक है, अब जैसे जैसे स्टिर करोगे तो क्या होगा, सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो गया, देखो कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव, इसके अंदर HCl सॉल्यूशन का आप यहाँ ऊपर से NaOH ऐड कर रहे हो तो रिएक्शन तो होगी, है ना, क्या बनेगा NaCl plus water बनता रहेगा। तो जो H positive इसमें पहले से प्रेजेंट है वो एक टाइप से क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है, कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज करने लग जाएगी, तो आपका पीएच में चेंज होगा। ठीक है, अब जो पीएच में जो चेंज हो रहा है केलोमल इलेक्ट्रोड का, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा पॉजिटिव। जितना भी EMF में चेंज हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा होगा, pH of the solution की वजह से चेंज हो रहा होगा। अच्छा, pH of the solution से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपका कैसे रिलेट करता है ये आपको पता है ना, E note यहाँ क्या है आपका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 25 डिग्री सेल्सियस पे, अगर आपकी रिएक्शन हो रही है, अगर आपका सेल 25 डिग्री सेल्सियस पे प्रिपेयर है, तो ये इक्वेशन होती है ना। अब आप क्या कर सकते हो, इसको pH में चेंज कर सकते हो, है ना, माइनस लोग तो यहाँ प्लस का साइन आ जाएगा। तो यानी EMF जो हमारा सेल का है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पर, या फिर क्या बोल सकते हैं पीएच पे। अब जैसे जैसे स्मॉल अमाउंट आप डाल रहे हो, है ना, आपने NaOH की स्मॉल अमाउंट ऐड कर दी, आपने EMF नोट कर लिया। अब आपको क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है EMF वर्सेस वॉल्यूम ऑफ NaOH। ठीक है, मैं आपको ग्राफ दिखा दूँ, ये रहा EMF versus volume of NaOH, आप प्लॉट करो। ठीक है, आपके पास जो जो वैल्यू आएंगे आप प्लॉट करते रहो। अब स्टार्ट क्या होगा, EMF स्लोली इंक्रीज करेगा पहले, ठीक है, इंक्रीज करना स्टार्ट करेगा, फिर क्या होगा उसमें रैपिड इंक्रीज होगा। जहाँ रैपिड इंक्रीज होगा वो क्या है आपका एंड पॉइंट होगा। जो ये रैपिड इंक्रीज है इसको हम बोलते हैं स्टीपनेस। आपका जो ये ग्राफ है देखो, स्लोली इंक्रीज कर रहा था फिर एकदम से रैपिड इंक्रीज, इसको बोलते हैं स्टीप ऑफ द ग्राफ। ठीक है, इसको बोलते हैं स्टीप ऑफ द ग्राफ। यही आपका क्या शो करता है, एंड पॉइंट और क्या बोल सकते हैं हम इसे, इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक है, अब एंड पॉइंट और इक्विवेलेंस पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। इक्विवेलेंस पॉइंट तो क्या होता है कि आपने 1 मोल NaOH लिया और 1 मोल HCl लिया, दोनों ने रिएक्ट किया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया और 1 मोल NaCl बना लिया। ठीक है, अब इस सॉल्यूशन में अगर आपने एक ड्रॉप एक्स्ट्रा HCl ऐड कर दिया तो उसको बोलेंगे एंड पॉइंट। ठीक है, ये जो परफेक्ट न्यूट्रलाइजेशन है ना, 1 मोल से 1 मोल, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। ठीक, और एक ड्रॉप अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, तो एंड पॉइंट। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, फिर थोड़ा सा EMF का चेंज होगा, लिटल जो आप NaOH ऐड करोगे उसमें जो OH आयंस की कंसंट्रेशन है उनकी मूवमेंट की वजह से आपका थोड़ा सा ये ना और चेंज होगा। ठीक है, ये तो हुआ कि आपने ऐसे बेस्ड हाइड्रेशन करी। ठीक है, ये आपका EMF प्लॉट किया, आपने वॉल्यूम ऑफ NaOH करी, आपको स्टीपनेस मिल गई, आप यहाँ से एंड पॉइंट निकाल सकते हो, इक्विवेलेंस पॉइंट निकाल सकते हो। लेकिन जब हम ये हाइड्रेशन वीक एसिड या वीक बेस के लिए करते हैं, या सोल्यूशन ऑफ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के लिए करते हैं, तो आपका ग्राफ इतना सिंपल नहीं आता, तो हमें उससे एंड पॉइंट इतनी आसानी से नहीं मिल पाता। तो फिर हम क्या करते हैं, वीक एसिड या मिक्सचर ऑफ वीक एसिड और वीक बेस के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ को हम डेरिवेटिव की फॉर्म में निकालते हैं, सेट फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं ग्राफ। अब ग्राफ का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने का क्या मतलब है, कि यहाँ जो आपने EMF लिया है, आप EMF ना लेके क्या लो, चेंज इन EMF विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन वॉल्यूम, यानी डेल ई सेल डिवाइडेड बाई डेल ई, वो वैल्यू कैलकुलेट कर लो और वॉल्यूम ऑफ NaOH ऐड, इसके अप्रोक्स जब इसके रिस्पॉन्स में आप ग्राफ बनाते हो तो आपका कुछ ग्राफ इस टाइप का आता है, जहाँ ये पीक होती है उसको आप क्या बोलते हो, एंड पॉइंट। देखो इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, एक्सपेरिमेंटली फाइनल ईयर के 6th सेम में है आपके ये पोटेंशियोमीटर,
जैसे आपने 1 ml NaOH ऐड किया, EMF नोट कर दिया, ठीक है। सेकेंड ml किया, EMF नोट कर दिया, थर्ड किया, EMF नोट किया, फोर्थ किया, EMF नोट किया। अब आप क्या करो, EMF का डिफरेंस ले लो, 1 1 1 1 आएगा, फिर आपने जो वॉल्यूम का डिफरेंस है उसको से डिवाइड करते जाओ, ठीक है। वो तो आपके पास क्या आ जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा। किसी भी चीज का फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, चेंज इन दैट क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू सम क्वांटिटी, जैसे हम dx by dy लिखते हैं, तो क्या हम देखते हैं, चेंज इन x विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y, तो सेम हमारा ये क्या है, चेंज इन EMF itself विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन y। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, वीक एसिड और या फिर वीक बेस या दोनों के मिक्सचर का टाइट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। आया समझ में? एसिड बेस टाइट्रेशन है? यस मैम। ठीक है, देखो अब आपकी नेक्स्ट टाइट्रेशन है रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स साइट्रेशन का मीनिंग आप समझ ही गए होंगे कि एक ऑक्सीडेशन और एक रिडक्शन रिएक्शन होगी। अब इस टाइप की रिएक्शन करने के लिए हम कौन सी इलेक्ट्रोड यूज करें, तो हम रिडॉक्स इलेक्ट्रोड भी यूज करेंगे। रिडॉक्स इलेक्ट्रोड आप लोग कैसे बनाते थे, आप एक ऐसा सॉल्यूशन लेते थे जिसमें मेटल एटम दो ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होता था, उसमें प्लैटिनम वायर डिप कर देते, है ना। तो हम ऐसे ही लेके हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड किसको लेके, एक इनर्ट मेटल लेके जिसमें हम प्लेटिनम वायर यानी नेट मेटल कौन सा ले सकते हैं, प्लेटिनम वायर, और एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप कर देंगे जो ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दो फॉर्म में प्रेजेंट हो, यानी दो ऑक्सीडेशन फॉर्म में प्रेजेंट हो, जैसे Fe2 पॉजिटिव Fe3 पॉजिटिव वाला, या Cu2 पॉजिटिव और Cu2 पॉजिटिव वाला, यानी Cu+Cu3 पैरास्फेरिक, इस टाइप के हम यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये बन जाएगी हमारी इंडिकेटर इलेक्ट्रॉन। फिर हम इंडिकेटर यानी जो हम रिडॉक्स इलेक्ट्रोड एज इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं उसको क्या करेंगे, कपल कर देंगे विद सैचुरेटेड कैलोमेल इलेक्ट्रोड। अब कैलोमेल इलेक्ट्रोड क्या हो गई आपकी रेफरेंस, डायग्राम में आपने क्या किया, ये आपके पास Fe2 पॉजिटिव आयन का सोल्यूशन, राइट। अब आपको इसको टाइट्रेट कराना है अगेंस्ट Ce4 पॉजिटिव आयन सोल्यूशन, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें एक प्लेटिनम वायर प्लेटिनम प्लेट डिप कर दी, इसको कपल कर दिया कैलोमेल इलेक्ट्रोड के साथ, और क्या करा, पोटेंशियोमीटर अटैच कर दिया, राइट। ये आपका एक कंप्लीट सेल बन गया, इतना पोर्शन आपका सेल का हो गया, ठीक है। ये क्या बन गया आपका टाइट्रेशन वाला, और ये आपका कंबाइन होकर क्या बन जाता है, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक, आप देखो आपको करना क्या है इसमें, सिंपली जैसे आप अपनी टाइट्रेशन करते, ठीक है। अब आप टाइट्रेशन कर रहे हो तो आप लोग ये समझ गए होंगे कि इसमें कौन सी रिएक्शन हो रही होगी। देखो सॉल्यूशन में स्टार्टिंग में Fe2 पॉजिटिव आयन है, ड्यूरेट में Ce4 पॉजिटिव आयन है, रिएक्शन करवाओगे, राइट। रिएक्शन करवाओ तो क्या होगा, Fe2 पॉजिटिव का ऑक्सीडेशन होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Fe3 पॉजिटिव में, और Ce4 पॉजिटिव का रिडक्शन होगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, Ce3 पॉजिटिव में, राइट। इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आपकी Fe2 पॉजिटिव में डिप है, कैलोमेल से कनेक्टेड है, आपने अब ये रिएक्शन आपने होनी है, आपने स्मॉल स्मॉल अमाउंट्स में सिरिक सल्फेट सॉल्यूशन ऐड किया है और पोटेंशियल नोट कर लिया, यानी सेल का EMF आप नोट करते गए, ठीक है। जहां भी आपको शार्प इंक्रीज या डिक्रीज दिखेगा वो आपका एंड पॉइंट हो जाएगा, राइट। अब आपको क्या करना है, देखना है कि आपका कैसे इसलिए एंड पॉइंट आ रहा है। आपको पता है अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उसकी आप नलनेस इक्वेशन लिखो, है ना, तो आपको पता है आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की ये लिखोगे नलनेस इक्वेशन, है ना। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ दैट इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू एट स्टैंडर्ड -0.0591, सारे कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू पुट कर लोगे 25 डिग्री सेल्सियस पे तो आ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने चेंज हो रहे हैं, 1 log Fe2 positive by Fe3 positive, right? अब बताओ, आपको मैंने कहा कि reference electrode का तो EMF रहेगा constant, है ना? तो जितना भी आपका cell का EMF है, वो किसकी वजह से आ रहा होगा, electrode potential की वजह से। electrode potential भी कौन सा, indicator electrode। तो यानी cell directly हम कह सकते हैं कि cell का EMF किसी वजह से change
इंक्रीज डिक्रीज या जो भी उसमें चेंजमेंट वो किसकी वजह से आ रही होती है आपकी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड की, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वजह से। अब जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस क्वांटिटी की, है ना, कि भाई कितने ऑक्सीडाइज या कितने रिड्यूस हो रहे हैं इस क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट है। यानी हम कह सकते हैं कि जब ये वैल्यूज में सडन चेंज आएगा दैट मीन्स ये क्या हो गए होंगे, न्यूट्रलाइज हो गए होंगे आपके रिएक्शन, न्यूट्रलाइज तो नहीं आप क्या बोल सकते हैं, आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सेल का ईएमएफ वर्सेस वॉल्यूम ऑफ सीरिक आयन एडिट का ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ कैसा आएगा आपका, इस टाइप का, ठीक है। स्टार्टिंग में कॉन्स्टेंट सी रहेगी, फिर एकदम से इंक्रीज होगा, फिर कॉन्स्टेंट हो जाएगी। तो जहां ये एक इंक्रीमेंट आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, एंड पॉइंट। समझ में आई रिडॉक्स टाइट्रेशन? यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट है आपकी प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कैसे करोगे पोटेंशियोमेट्रिक के लिए? मान लो हमें प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करनी है, फॉर एग्जांपल HgNO3 विद KCl, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, HgNO3 प्लस KCl। आप रिएक्शन कंप्लीट करो तो क्या बनेगा, AgCl प्लस KNO3, है ना, ये आपकी रिएक्शन है, यानी मेनली आपके AgCl के प्रेसिपिटेट है, ठीक है। हम क्या करेंगे, सिल्वर इलेक्ट्रोड को डिप करेंगे सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बन जाएगी आपकी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, ठीक है, AgNO3 वाला पार्ट आ गया, ठीक। फिर हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या लेंगे, कैलोमन इलेक्ट्रोड लेंगे, उसमें आपका KCl वाला पोर्शन आ जाएगा, दोनों रिएक्टेंट्स आ गए आपके, ठीक है। अब आपको पता है जब आप सिल्वर इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो क्या होगा, उसका रिडक्शन होगा, तो कैसे होगा, Ag1 इलेक्ट्रॉन गेन करके Ag2 में कन्वर्ट हो जाएगा। इस इलेक्ट्रोड के लिए आप मतलब आपने जो Ag इलेक्ट्रोड प्रिपेयर की है ना, सिल्वर इलेक्ट्रोड डिपेंड सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, इसका EMF आपका ये रहेगा अकॉर्डिंग टू नर्नस इक्वेशन, कि सिल्वर Ag पॉजिटिव से Ag, Ag नॉट, ठीक है, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.059, वही इलेक्ट्रॉन का चेंज 1 है नीचे 1 log of Ag पॉजिटिव, प्लस साइन यूज कर रहे हैं इसलिए पहले के ऊपर क्या लिखे हैं, रिएक्टेंट, नीचे लिखेंगे प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्योर सॉलिड है तो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। ये आपके पास आ गया इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल। अब देखो हमें इसको बनाना क्या है, ठीक है, आपने क्या करना है, कैलोमल इलेक्ट्रोड आपकी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, आप उसे अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप कर दोगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिल्वर इलेक्ट्रोड प्रिपेयर करना है, तो सिल्वर रोड लिया आपने, सिल्वर की वायर ली, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में डिप कर दी, ठीक है। फिर आपने से सॉल्ट ब्रिज से ऐड कर दिया सैचुरेटेड अमोनियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्ट ब्रिज वो वाला लेना पड़ेगा जो अमोनियम नाइट्रेट, क्यों, ताकि नाइट्रेट आयन कॉमन हो जाए इन दोनों सॉल्यूशन, ठीक। फिर क्या हुआ, आपने क्या किया, अब आपका ठीक है ये तो सेल वाला पोर्शन प्रिपेयर हो गया, अब बस आया टाइट्रेशन वाला पोर्शन, आप कैसे प्रिपेयर करोगे। तो टाइट्रेशन वाले पोर्शन को सेट करने के लिए आपने नीचे सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले रखा है, आपने ब्यूरेट में क्या फिल कर दिया, KCl, क्योंकि मेनली रिएक्शन तो हमें किसकी करवानी है, सिल्वर नाइट्रेट प्लस KCl की, तो ब्यूरेट में आपके पास आ गया KCl, बाकी आपका स्टीरर, ठीक है। ये आपका कंप्लीट सेटअप हुआ पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन का। अब क्या होगा, वैसे ही जैसे आप नॉर्मली टाइट्रेशन करते हैं, ठीक, आप KCl सॉल्यूशन ब्यूरेट में से ऐड करना स्टार्ट करोगे तो सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। इनिशियली हम ये मानते हैं कि सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन हमारी क्या होगी, मैक्सिमम होगी, है ना, उसके बाद ही तो KCl में से Cl नेगेटिव आयन आएंगे और सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बनाएंगे, AgCl के प्रिपिटी बनाएंगे, है ना। तो देखो आपको पता है कैलोमल है आपकी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, तो उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा कांस्टेंट, ठीक। तो जितना भी चेंज EMF होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा, Ag पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन की वजह से, सिल्वर आयन की कंसेंट्रेशन की वजह से, ठीक है। इनिशियली आपकी मैक्सिमम थी, आपने KCl ऐड किया AgCl के प्रिपिटी फॉर्म में, तो क्या होगा, Ag पॉजिटिव की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, जैसे जैसे आप KCl ऐड करोगे तो आपका EMF पहले स्लोली स्लोली चेंज होगा, लेकिन क्या होगा, एंड पॉइंट तो जैसे ही अचीव होने वाला होगा, यानी आपकी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कंप्लीट होने वाली होगी, तो क्या होगा, सडन चेंज आ जाएगा, रैपिड चेंज आ जाएगा,
एंड में आपकी यदि पॉजिटिव की भी कंसंट्रेशन क्या रह जाएगी, मिनिमम रह जाएगी, ठीक है। और ईएमएफ का चेंज उस टाइम क्या होगा, आपका मैक्सिमम होगा, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे मिनिमम रहेगा ही आपकी एंड में, तो अब आप कितना ही केसीएल ऐड करते रहो, यदि पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पे कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, एज ही आपका ईएमएफ ऑफ सेल पे भी कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपका ग्राफ कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। कैसे, देखो स्टार्टिंग में आपके एजी पॉजिटिव की आयंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, तो आपका ईएमएफ भी मैक्सिमम है। फिर एजी पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाएगी, तो आपका ईएमएफ ऑफ द सेल भी धीरे धीरे डिक्रीज होगा। फिर क्या होगा, सडन एकदम से सडन डिक्रीमेंट आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से क्या आ जाएगी, वो कॉन्स्टेंट हो जाएगी, क्योंकि अब एजी पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या हो गई है, मिनिमम। अब हम कितना भी केसीएल ऐड करें, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है। इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन टाइट्रेशन भी पोटेंशियोमेट्रिकली कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो, हम अभी तक हम जो नॉर्मल कन्वीनियंट मेथड हम टाइट्रेशन का यूज कर रहे थे, उसकी जगह हम पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्यों प्रेफर करते हैं, उसके रीजन है, ठीक है। तो एडवांटेजेस है आपकी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या, एक तो देखो सबसे पहली बात, आपको इसमें कोई इंडिकेटर यूज नहीं करना पड़ा, तीनों टाइप की आपने टाइट्रेशन पढ़ी, कहीं कोई इंडिकेटर वर्ड ही नहीं आया कि हाँ आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आया, क्या हमने कोई और सब्सटेंस एज ए इंडिकेटर यूज किया, नहीं किया। तो इंडिकेटर की आपकी रिक्वायरमेंट खत्म, एक केमिकल आपको कम रिक्वायर हुआ, और क्या हुआ कि अब आपको इंडिकेटर ही यूज नहीं करना, तो आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में ये भी सोचने की जरूरत नहीं है कि आपका पीएच कौन सी रेंज में है और उसके अकॉर्डिंग आपको कौन सा इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा। क्योंकि देखो जैसे आप अच्छी वाला वेनएच की यूज करते हो, तो क्या करते हो, फिनोक्लिन इंडिकेटर यूज करते हो, फिर किसी टाइट्रेशन में मिथाइल ऑरेंज यूज करते हो, है ना। तो हम पीएच की रेंज के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर चूज करते हैं। अब हमें फिर इंडिकेटर की जरूरत ही नहीं है, तो हमें इस नॉलेज की भी जरूरत नहीं है, ठीक। और दूसरा, जैसे आपके पॉलीबेसिक एसिड होते हैं या मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस है, पॉलीबेसिक एसिड मतलब H2SO4, H3PO4, ठीक है, जिसमें एक से ज्यादा एच पॉजिटिव आयंस देने की कैपेबिलिटी होती है। इस टाइप के एसिड या फिर आप स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर ले लो और उसे टाइट्रेट करो, तो वो पोटेंशियोमेट्रिकली तो पॉसिबल है, लेकिन आपके नॉर्मल कन्वीनियंट मेथड से एग्जैक्ट और एक्यूरेट रिजल्ट पॉसिबल नहीं होते। अच्छा, फोर्थ पॉइंट क्या हुआ कि मान लो आपके पास मिक्सचर है, ठीक है, कुछ आयंस का, और आप उसमें से एक पर्टिकुलर आयन को टाइट्रेट करना चाहते हो, तो आप पोटेंशियोमेट्रिकली उस आयन को टाइट्रेट कर सकते हो, लेकिन आप अपने नॉर्मल मेथड से नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड यानी हैलाइड्स का मिक्सचर है और आप उसमें सिर्फ क्लोराइड को करना चाहते हो, तो आप क्या करो, उसे उस सॉल्यूशन को सिल्वर नाइट्रेट के अगेंस्ट टाइट्रेट कर दो, तो आप उसका एस्टिमेशन लगा सकते हो। तो ये क्या है, आपकी कुछ एडवांटेजेस हैं पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन की, किसके अगेंस्ट, नॉर्मल टाइट्रेशन के अगेंस्ट। आई समझ में? यस मैम। यहाँ पे आपकी ये यूनिट भी कंप्लीट हो गई, ठीक है, समझ में आ गई अब सारे टॉपिक्स। यस मैम।